जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए सुनते हैं पापांकुशा एकादशी 2024 कब है, जाने तिथि, शुभ मुहूर्त, पारण का समय और महत्व। अश्विन माह में दो दिन एकादशी तिथि होने के कारण पापांकुशा एकादशी की तिथि को लेकर काफ़ी असमंजस बना हुआ है। जाने इसकी सही तिथि, मुहूर्त के साथ अन्य जानकारी। हिंदू पंचांग के अनुसार साल भर में कुल 24 एकादशी पड़ती है और हर एक एकादशी का अपना अपना महत्व है। ऐसे ही अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का विशेष महत्व है। इसे पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के बाद पड़ने वाली इस एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन पूजा पाठ करने से व्यक्ति को हर एक दुख दर्द और पापों से मुक्ति मिलती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस बार एकादशी तिथि दो दिन पड़ने के कारण असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिर किस दिन रखा जाएगा पापांकुशा एकादशी का व्रत। आइए जानते हैं पापांकुशा एकादशी की सही तिथि, मुहूर्त और महत्व। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह की एकादशी तिथि का आरंभ 13 अक्टूबर रविवार को सुबह 9:08 से शुरू हो रहा है, जो 14 अक्टूबर सोमवार को सुबह 6:41 पर समाप्त हो रहा है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार पापांकुशा एकादशी का व्रत 14 अक्टूबर को रखा जाएगा, लेकिन तिथि अवधि कम होने के कारण 13 अक्टूबर को भी पापांकुशा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। सुबह 7:47 से दोपहर 12:07 तक रहेगा मुहूर्त। रवि योग सुबह 6:21 से 14 अक्टूबर को सुबह 2:51 तक है। अभिजीत मुहूर्त 13 अक्टूबर सुबह 11:44 से लेकर दोपहर 12:30 तक रहेगा। पापांकुशा एकादशी पारण का समय 14 अक्टूबर को, पारण व्रत तोड़ने का समय 1:17 से 3:35 तक है। पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय सुबह 11:56 पर, 15 अक्टूबर को एकादशी के लिए पारण व्रत तोड़ने का समय सुबह 6:23 से सुबह 8:41 तक है। पापांकुशा एकादशी का महत्व। हिंदू धर्म में पापांकुशा एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही मान्यता है कि पापांकुशा एकादशी के दिन व्रत रखने से जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। जीवन में खुशियां ही खुशियां आती हैं। अपने पापों के द्वारा मिलने वाले भयानक फल से मुक्ति से बच जाता है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी भी अति प्रसन्न होती हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।